नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर ऑल इंडिया दीनी मदरिस बोर्ड के मौलाना मोहम्मद याकूब बुलंद शहरी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने पहुँचे सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय तथा जिलाधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता है और मांग पूरी नहीं होने पर जान से मारने की नियत से मारपीट कर उसे गंभीर चोटें पहुंचाकर घर से निकाल दिया था, जिसके संबंध में महिला थाना पर मुकदमा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी कारण से आज हम न्याय मांगने के लिए सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं। NBD से शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। भाई, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद याकूब बुलंद शहरी है। मैं अरबी मदरसा सहारनपुर का रहने वाला हूँ। भाई, मेरी बेटी का मुकदमा 40/19 तकरीबन 2 साल से महिला थाने में दर्ज है, जिसकी विवेचना SI इंद्रजीत थाना मंडी कर रहे हैं और SI साहब जो है वो गलत के साथ खड़े हैं, बेटी को जुल्म करने वालों के साथ खड़े हैं और जालिमों के साथ खड़े हैं, और वो कानून का सौदा करके वो नाजायज़ इलीगल जो है वो लड़के वालों की मदद कर रहे हैं। उसकी शिकायत हम DM साहब से करने आए हैं और DM साहब के माध्यम से मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज रहे हैं कि मेरी बेटी को और सारी हिंदुस्तान की बेटियों को इंसाफ मिले। अहमदाबाद की आयशा को तो हम नहीं बचा सके, कम से कम सहारनपुर की आयशा को तो बचा लिया जाओ।